हेलो दोस्तों, वंस अगेन डेलीगेशन एंड सुपरविजन फ्रॉम ब्रायन ट्रेसी। माय गॉड, क्या लिखता है साहब, क्या लिखता है। फैन हो गया मैं तो सच्ची। 64 कंट्रीज में इनके लेक्चर चलते हैं, पर्सनली विजिट्स 64 डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। अरे मेरे को तो कभी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जाने का मौका नहीं मिला। एक ने बुलाया था बांग्लादेश, वो भी लटक गया। हमारी भी बड़ी तमन्ना होती है, अरे हमें भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे बुलाए, पर आज तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। अल्लाह करेगा कभी चांस मिलेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तो इंडिया के अंदर ही चलता है हमारा। ओके, फाइव वेज टू मोटिवेट योर स्टाफ। फिर मैंने कहा चलो, पांच आपके हैं, तीन मैं डाल देता हूँ जो मैंने दूसरी जगह से ज्ञान एकत्र किया है, लेकिन टाइटल मैंने वही रखा है जो किताब वाला, फाइव। लेकिन अभी आगे देखोगे स्लाइड्स में तो आठ हैं, आठ बताऊंगा, तीन अपने भी हैं। या कोई मैंने इन्वेंट नहीं किए, या सयाने समझदार लोगों से ओपिनियन लेके ही लिखे हैं, राइट। ठीक है, अब देखिए क्या है। पहला, एक्सेप्टेंस। जो मेरा स्टाफ है, चाहे मैंने खुद रिक्रूट किया या सिफारिश के थ्रू हुआ है, जैसे भी आया, पर आ चुका है ना। आई एक्सेप्ट हिम, आई रिपोज माई ट्रस्ट इन हिम, विश्वास करता हूं उसका। या क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, हम सारे के सारे अपने कोलीग से, सीनियर से, जूनियर से एक्सेप्टेंस मांगते हैं, इच्छा करते हैं दैट वी शुड बी एक्सेप्टेड बाय देम, बाय द पीपल अराउंड अस। अगर ऐसा होता है, जो मेरे साथ है, कैन आई ट्रस्ट देम दैट ऑल कंट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉइज अच्छे हैं, ठीक है, जैसे भी हम आगे, ठीक है ना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द टीम। भले ही मैंने रिक्रूट तो नहीं किया था, या फोर्सिबली लेना पड़ा, पर ठीक है, आई एक्सेप्ट नाउ, राइट। लेट मी टेल यू, ये मेरा अनुभव है किसी भी कंपनी के अंदर कम से कम 33% रिक्रूटमेंट बैकडोर से होती है। पूछना जाके एचआर से कितने प्रेशर में काम करते हैं। दूसरा, ये आठों की आठों ए से शुरू होते हैं। पहला एक्सेप्टेंस, दूसरा एप्रिसिएशन। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, एप्रिसिएशन इज द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। भूख लगती है, खाना खाते हैं, उसी तरह से आपके दिमाग को भी एप्रिसिएशन की जरूरत होती है। लेकिन एक चीज याद रहे, एप्रिसिएशन का रूल है, एप्रिसिएशन हैज टू बी स्पॉन्टेनियस। अच्छा काम किया है, फाइन, एप्रिशिएट कीजिए, एंड ये बासी नहीं चलती, ये ताजी ताजी खिलानी पड़ती। हाँ, तूने पिछले महीने अच्छा काम किया था, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, पिछले महीने मैं तो भूल गया, ताजा ताजा दीजिए। तो एप्रिसिएशन को ताजा ताजा परोसना पड़ता है। इट हैज टू बी फ्रेश, इट हैज टू बी फॉर ए जेन्युइन कॉज, नहीं तो सामने वाला समझ जाता है मक्खनबाजी हो रही है, या इसको कोई पर्पज है, मतलब है। एप्रिसिएशन, और आगे चले एडमायर। अब मुझे फर्क पता चला, एप्रिसिएशन और एडमायर में फर्क होता है। मैं दोनों को एक मानता था, पर नहीं, ट्रेसी बोला अलग है। कैसे, क्या फर्क है भाई? एडमायर देम फॉर देयर स्मार्ट वर्क, देयर टेस्ट, हैंडबैग बड़ा अच्छा लिया हुआ है, पर्स बहुत अच्छा है, हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा करवा के आया है, शूज बड़े अच्छे पहने हैं, टाई बहुत बढ़िया लगा रखी है, नई कार लाया है, बच्चे 99% 100% लाए हैं, भैया IIT में एडमिशन हुआ है, मतलब जो भी हो, एडमायर। किसी का हार्ड वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यस, एडमायर। गुरु मजा आ गया, आई विश मैं भी तुम्हारे जैसा होता, या बहुत प्यारा चीज लाई है यार, वंडरफुल, टू गुड, रियली लवली। बोलिए, चौथा है अप्रूवल। सो फाइंड रीजंस टू प्रेस, ढूंढो कुछ कारण जिससे किसी के बारे में पॉजिटिव बोला जा सके। दिस विल मेक देम फील वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट कीजिए सब, लोगों को कॉम्प्लीमेंट करने के रीजन ढूंढिए। पांचवा, अटेंशन। जब मैं बात करूं किसी से, 100% अनडिवाइडेड अटेंशन,
ऐसा नहीं, हाँ बोल बोल, ओके एक मिनट रुके, सेंड, हाँ क्या कह रहा था, नॉट एट ऑल, गलत। जब बात करें 100% फोकस सामने वाले पे, फुल अटेंशन साहब, अनडिवाइडेड अटेंशन, याद रखें। क्योंकि लोगों को पता चल जाता है, लोग सयाने समझदार होते हैं कि इग्नोर तो नहीं मार रहा, कितना अटेंशन मुझे मिल रहा है, या दे इमीडिएटली सेंस द एंड, वो कैलकुलेशन बड़ी प्रिसीजन होती है उनकी, यू कांट फूल दैट। मैंने बताया 5 तो ट्रेसेस साहब से, अब 3 मेरे, मैंने तो कुछ सीखा ना अब तक, 60 का होने वाला हूँ भाई, कुछ तो सीखा मैंने भी, दोनों 3 मेरे। अलाउ ऑटोनोमी, सेट टारगेट्स, नॉट द मैथड। कैसे करोगे, अरे तेरे को क्या, बोल दिया ना कर दूंगा, क्यों फिर कैसे करोगे, क्यों जानना चाहता, भाई करने दे यार। अलाउ क्रिएटिविटी, थोड़ा सा यार मुझे अपना खोपड़ी यूज करने देना, कुछ तो सीखा मैंने, अलाउ मी टू यूज इट, या अलाउ मी टू यूज। तीसरा, अलाउ टाइम, समय दीजिए। गूगल शायद इस दुनिया की पहली कंपनी, क्या किया, 80% ऑफ योर टाइम यू मस्ट स्पेंड ऑन योर KRS, की रिजल्ट एरियाज, बाकी 20% का क्या करोगे, अपना मन पसंद कोई प्रोजेक्ट चुन लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट हम उसे 20% के ऊपर कोई सेट डेट नहीं मान रहे। हाँ पूछेंगे कर क्या रहे हो, लगे हो ना भले 5 साल में हो पूरा, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन KRS के ऊपर जो टाइम लगाना है 80%, लर्न मोर, घूमो थोड़ी देर, यहां बैठ के काम करना है यहां करो, वहां बैठ के काम करना है वहां करो, दैट्स गूगल। अरे मैं अमेजोन के ऑफिस में गया अमेरिका में, माय गॉड, यहां काम करने में मन नहीं लग रहा, उठ के जाके गार्डन पे बैठ जाओ, उठाओ अपना लैपटॉप ले जाओ गार्डन में, वहां बैठ के काम करो, 1 घंटा वहां काम किया, कंटाल गए, बोर होने लगे, कैंटीन में चले, उसके बाद मन नहीं लग रहा, जाओ जो कुत्ता ला कर आए अपने छोड़ा अपने कैनल में, कंपनी प्रोवाइड करती है, उसे ले आओ साथ में, सीट पे बिठा दो, उसे साथ में बिठा लो। अरे यार ये अमेरिकन कंपनीज अमेजिंग, दे आर डिफरेंट, माय गॉड, दे अलाउ ऑटोनॉमी, दे अलाउ क्रिएटिविटी, दे अलाउ टाइम। मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, 5 पॉइंट तो मिले मुझे ट्रेसी साहब से, 3 मैंने जो जीवन में सीखे, कुल मिला के हो गए 8। अप्लाई करो ना थोड़ा सा, मोटिवेट योर स्टाफ, गेट द प्रोडक्टिविटी, बी वर्ल्ड क्लास। थैंक यू वेरी मच।